न्यूज़ 6 प्राइम टाइम को स्वागत करूछि मु रश्मिता। प्रथमे देखिबा हेडलाइंस। बहुचर्चित बाबरी मस्जिद भंगा मामलें समस्त 32 अभियुक्त दोषमुक्त निर्दोष से खलास कले लखनऊ सीबीआई स्वतंत्र कोर्ट। दीर्घ 28 वर्ष पर आसला राय। इपी हाथरस गण दुष्कर्म मामला तदंत पई एसआईटी गठित 7 दिन भितरे रिपोर्ट देबो टीम। फास्ट्राक कोर्ट रे हेबो विचार। पुलिस राति रे पीड़िता शव जोर जबरदस्त सत्कार करितबा होइथिला अभियोग। मौसुमी अधिवेशन द्वितीय दिन प्रश्नकाल बातिल को विरोध। करोना प्रसंग रे सरकार को घेरिले कांग्रेस विधायक। उत्तर रखिले स्वास्थ्य मंत्री नव दास। सेपटे विश्वविद्यालय संशोधन आईन को विरोध करी एबीपी रो विक्षोभ। चांदीपुर क्षेपणास्त्र घाटी मिसाइल ब्रह्मोस्तर व्यावहारिक परीक्षण। 450 रु 600 पर्यंत शत्रु पक्ष को करिपारिबो लक्ष्य भेद। उभय जल और स्थल भागरु होइपारिबो निक्षेप। राज्य आज 14 जनक जीवन नेला कोरोना। दिनकर 3443 आक्रांत चिन्हट। खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 601 पॉजिटिव। राज्य में मोट आक्रांतों संख्या 219,000 पार। देश में 24 घंटे 80,472 आक्रांत। 1179 मृत। नूतन मृत्यु को मिसाई मृत्यु संख्या 97,000 पार। सेपटे मोट आक्रांतों संख्या 62,25,763 को वृद्धि। यूपीएस परीक्षा स्थगित रखा को आवेदन खारज कले सुप्रीम कोर्ट। अक्टोबर 4 में अच्छी यूपीएस प्रिलिमिनरी परीक्षा। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप को मुंबई पुलिस समन। जौन निर्यातना मामलें थाना रे हाजिर होगा नोटिस। अनुराग का नारे जौन निर्यातनार अभियोग करिसेंति पायल घोष। उत्तर पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसगर में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि। दक्षिण ओडिशा उपकूल में घूर्णिवलय प्रभाव में सृष्टि होइपारे लघुचाप। प्रभाव में राज्य में प्रबल वर्षा संभावना। आंचलिक पाणिपाग केन्द्र तरफ सूचना। एवं शेषे आईपीएल खबर। आज कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स मध्य टक्कर। दिनेश कार्तिक और स्टीव स्मिथ को कैप्टनशिप ऊपर दर्शकों नजर। वर्तमान देखिबा संपूर्ण खबर। बहु प्रतीक्षित बाबरी मस्जिद राय आज प्रकाश पाई। दीर्घ 28 वर्ष प्रतीक्षार अंत होगापर दोषमुक्त होती 32 जन अभियुक्त। अभियुक्त को दोषी सब्यस्त करने ठोस प्रमाण नथिबारु समस्त दोषी निर्दोष रे खल्लास होती। दीर्घ 28 वर्ष प्रतीक्षा परे प्रकाश पाई बाबरी मस्जिद राय। 32 जन अभियुक्त को निर्दोष रे खल्लास करिछि लखनऊ स्वतंत्र सीबीआई कोर्ट। अभियुक्त को दोषी सब्यस्त करने ठोस प्रमाण नथिबारु होइछंती दोषमुक्त। बाबरी भंगाजीबा को योजना प्रस्तुत नुहे बोली कहिछंती कोर्ट। एहा सामयिक आवेग होइपारे किंतु योजना प्रस्तुत नुहे। सीबीआई लगाइथिबा आरोपर कौनसी प्रमाण नाही। प्रमाण पई दाखल वीडियो टैंपरिंग होइछि बोली कोर्ट कहिछंती। 1992 डिसेंबर 6 रे बाबरी मस्जिद भंगा जाइथिला। एहाकु नै उत्तर प्रदेश रो व्यापक सांप्रदायिकता दंगा होइथिला। 28 वर्ष परे चालिथिबा एही मामलारे 351 जणक साक्ष्य ओ 66 दस्तावेज कोर्ट को दिया जाइथिला। एही मामलारे मोट 49 जणक विरोध रे मामला दायर होइथिला। एहा भितरे 17 जणक मृत्यु होइ जाइछि। अभियुक्तक मध्यरे बीजेपी रो वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, महंत नृत्य गोपाल दास, साखी महाराज, विनय कटियार, धर्म दास, वेदांती, लालू सिंह, चंपत राय, पवन पांडे, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह एवं उमा भारती प्रमुख थे।
सेपटे दोषमुक्त होगापे राय अत्यंत महत्वपूर्ण और आमपाई खुशी विषय बोली एलके आडवाणी कहते मनोहर जोशी निजर प्रतिक्रिया रखिंट यहा कौन षड्र ना और सबकि अचानक घटी बोली जोशी कहते कोर्टर राय पर यह बद समाप्त होगा दरकार बोली से मत राय प्रकाश पाइबा पूर्व सेठे सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी कर ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 6 ओडिया। पुणी थरे जणे निरीह अकाल प्राण हारी देशवासी पुणी थरे मने पकाई निर्भया को हाथरस दलित झी दुष्कर्म मामला दोहलाई देछि देशवासी को पीड़िता परिवार लोकों को सहारा देवा तो दूर कथा अंतिम संस्कार रे सामिल हेबा को मध्य देनी पुलिस एमती एक घटना देखा मिली उत्तर प्रदेश हाथरस सेप्टेम्बर 14, 2020 सकाळे गणदुष्कर्म शिकार होइथिले जणे दलित युवती घटना घटीथिला हाथरस जिला चंदपा थाना एक गाँव घटनार 9 दिन परे पीड़िता आसीथिले होस्कु आसीबा परे निज उपरे होइथिबा अत्याचार को करीथिले बयान स्वास्थ्यावस्था बिगिड़िबारु प्रथमे अलीगढ़ और परे सफदरजंग हॉस्पिटल को स्थानांतरण करा जाइथिला पीड़िता को किंतु गतकाली दिल्ली रे चिकित्साधीन अवस्था रे पीड़ितार मृत्यु होईछि। पुलिस शव नहीं मध्यरात्रि रे हाथरस पहुंचा पर बढ़िथिला विवाद आंबुलांस पहुंचा पर ग्रामवासी रास्ता रे सोई विरोध प्रदर्शन करिथिले परिवार लोकों अनेक काकुति मिनती सत्वे शेष दर्शन करने को देनथिला यूपी पुलिस एसपी डीएम अनेक बुझाइबा पर मध्य अंतिम संस्कार करायबा को राजी होइनथिले ग्रामवासी निज झी को घर को नहीं जा रीतिनीति संस्कार करने को चाहते परिवार लोके किंतु पुलिस शव ने तो दूर कथा छुईवाकूनला एपरिक परिवार लोकों चितापाख को देनला पुलिस राति प्राय 2टा समय पुलिस निज इच्छा अनुसार पीड़िता अंतिम संस्कार करदे बद उग्र रूप नहीं देशव्यापी पुलिस रही कार्य को निंदा करा तत्पर हो उठी यूपी सरकार योगी सरकार 10 लाख टंका क्षतिपूरण घोषणा सह 4 अभियुक्त को गिरफ्त करी सेपटे मामलार तदंत पाई 3 जणिया एसआईटी गठन करने को निर्देश देते यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सात दिन मध्य सविशेष रिपोर्ट दाखल सह फास्ट्राक कोर्ट में गणदुष्कर्म मामलार शुणाणी करने को निर्देश देते सरकार ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 6 ओडिया। उत्तर प्रदेश गण बलात्कार घटनार अपराधी को दृष्टांतमूलक शास्ति विधान पाई एमएसएस विक्षोभ उत्तर प्रदेश में 19 वर्षर युवती को गण बलात्कार और हत्या घटना विरोध में सर्वभारतीय महिला संगठन ओडिशा राज्य कमिटी पक्षर् आज मास्टर कैंटीन ठारे विक्षोभ प्रदर्शन कर गत सेप्टेम्बर मस 14 तारीख दिन उत्तर प्रदेश हाथरस ग्राम से जड़े युवती गण बलात्कार करीभ काटी मेरुदंड हाड़ भांगी दुर्वृत्त गतकाली दिल्लीर एक घरोई हॉस्पिटल रे चिकित्साधीन अवस्था रे पीड़िता मृत्यु घटी बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश रे महिला माने एबे असुरक्षित मोदी और योगी सरकार को नारी और शिशु कन्या मानक निरापत्ता उपरे आदौ दृष्टि देना संगठन पक्षर दाबी करा जाएछि घटनारे संपृक्त थिबा अपराधी मानक फास्ट्राक कोर्ट रे विचार कर कठोर कठोर शास्ति देवा सर्वभारतीय साधारण संपादिका छवि महांती दाबी करिछन्ति। आज ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन एआईएमएसएस रो सर्वभारतीय कमिटी आह्वान क्रमे समग्र देश रे एक प्रतिभा दिवस आम पालन करुचु जे गत 14 तारीख दिन उत्तर प्रदेश रे जनेका 19 वर्षीय छात्री माने युवती को जो भली भाव रे गणधर्षण एवं हत्या नृशंसजनक घटना जो घटला तार मृत्यु है 19 तारीख दिन दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल रे यही घटना प्रतिवाद आम करुचु एवं आम दाबी करुचु जे समस्त अपराधी को खाली गिरफ नुहे कठोर रु कठोरतम शास्ति दिया जाऊ।
विश्वविद्यालय संशोधन आईन को विरोध कर एबीपी विक्षोभ। राज्य सरकार चलित वर्ष विधानसभा मौसुमी अधिवेशन रे आगत विश्वविद्यालय संशोधन को आईन को विरोध कर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। एथिपाई आज विधानसभा घेराव करने सहित गैजेट को असंवैधानिक कही पोड़ी दि जाए। सरकार यही शिक्षा विरोध थैथान अधिनियम को तुरंत प्रत्यावर्तन करतु। एथसह राज्य विश्वविद्यालय गुड़िक शिक्षा परिवेश को नष्ट नक एबीपी पक्ष दावी कर विश्वविद्यालय गुड़िकर सिनेट मध्यम छात्र छात्री सहभागिता रोता बेले सरकार यह सिनेट व्यवस्था उठाई देवाक विद्यार्थी परिषद घोर विरोध कर विधानसभा सम्मुखें विक्षोभ प्रदर्शन कर विद्यार्थी परिषद केबे भी सरकार संपूर्ण शिक्षा विरोधी और असंवैधानिक नीति को लागू करने को देवना संगठन राज्य संपादक शशिकांत मिश्र कहते बंद हो तेणु सरकार द्वारा कैंपस कोरोना कटकणा भितर आज मौसुमी अधिवेशन द्वितीय दिन विरोधी मुलतवी प्रस्ताव को बाचस्पति ग्रहण करने आरंभ होता गृहकार्य। कोरोना महामारी परिचालन संपूर्ण विफलता नहीं विरोधी आनी मुलतवी प्रस्ताव प्रारंभ में कांग्रेस विधायक दलर नेता प्रश्नकाल संपूर्ण बंद कर असंतोष व्यक्त करते। अन्यपक्षे कोविड समय बलांगीर कोविड सेंटर में महिला दुर्व्यवहार प्रसंग उठाइले कांग्रेस विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र। अन्यपटे कोरोना काल में मास्क दुर्नीति प्रसंगे बड़ बयान दे स्वास्थ्य मंत्री नव दास। कोविड किट किणारे आसीथिबा दुर्नीति अभियोग लोकायुक्त पाखरे विचाराधीन अछि। तदंत पर जी दोषी सब्यस्त हेबो तांको विरोध रे कड़ा कार्यनुष्ठान ग्रहण करा जीव बुली कहिसेंति स्वास्थ्य मंत्री। राज्य में मोट सक्रिय संख्या 36,000 अधिक रही। तेबे कोरोना रे मुकाबला पई राज्य अनेक गुड़िए पदक्षेप ग्रहण करिसेंति। त्रिस्तरीय कोविड चिकित्सा केन्द्र व्यवस्था करा जाइथिबा बेले चिकित्सार समस्त खर्च राज्य सरकार बहन करुछंति। एपरिकी प्रतिदिन हाराहारी 50,000 टेस्टिंग करा जाउथिबा कहिछंति नव दास। अनुगुल रे आदिवासी और तफसिलभुक्त जाति जमी हड़प मामलें कांग्रेस सांबादिक सम्मेलन। अनुगुल जिले में गत 10 वर्ष भितर आदिवासी और तफसिलभुक्त जाति लोक 700 एकर ऊर्ध जमी एक निर्दिष्ट परिवार हड़प कर दृष्टांत लोकलोचन को आनी कांग्रेस जो जमि आनुमानिक मूल्य 250 कोटी ऊर्ध हो सबुठ बड़ कथ सुशील कुमार अग्रवाल को परिवार रो विभिन्न सदस्यों नाम से 700 एकर जमी किणा जा 2010 मसीह श्री अग्रवाल को कौनसी आर्थिक स्वच्छलता नथिला। गत 10 वर्ष मध्य से 250 कोटी टंकार संपत्ति किपरी आणले आश्चर्यजनक विषय एवं एथसहित एपृक्ति जिलापा उपजिलापा राजस्व अधिकारी विरोध में कार्यानुष्ठानी प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी सभापति श्री प्रदीप माझी सांबादिक सम्मेलन में दावी करिछंति। राज्य में राजस्व मंत्री भाव में जड़े आदिवासी नेता थिबा बेले एभली घटना केमिति घटिला ताहाकु ने साधारण प्रश्नवाची सृष्टि होईछि। राजस्व मंत्री हिसाब से श्री श्रुदाम मारंडी यार स्पष्टीकरण दियंतु बोली सांबादिक सम्मेलन में कहुछि। सरकार जदि ए दिगरे दृढ़ पदक्षेप न नियंती तेबे न्यायिक रास्ता रे जिबा पई मध्य श्री माझी चेतावनी देइछंति। ओडिशार अगणित जनसाधारण गरीब जनसाधारण को 4 सेंट जमी मध्य मिल पार ना एवं सरकार विभिन्न प्रकार स्कीम तैयारी करछि सहर पाई जगह तैयारी करछि एवं गाँ गहली पाई घर स्कीम तैयारी करछि 4 सेंट जमी पाइले से निज घर टे बांधे किंतु अनुगुल जिलार जन जैनिक व्यवसाय ना रे पाखापाखि 700 एकर जमी बाहर और से जमी अति चंचकतापूर्ण भाव में भूल प्रमाणपत्र फेक सर्टिफिकेट देकी ऑफिसर मानकर सहायता नहीं कि एवं टंका उत्कोच नहीं कि से जमी सब गोटे परिवार ना रे दिया जाए। आमे अनुगुल जिले में पाखापाखि 700 एकर जमी जो किणा
एवं ता भीतर जो चंचकता और दुर्नीति भर्ती होकर अच्छी से विषय आम आज सांबादिक सम्मेलन करते आपण मैंने आश्चर्य हे अनुगुल जिलार पखापाखि 700 एकर जार दाम हम 250 कोटी टंका ये जमी रु अधिकांश जमी होची आदिवासी एवं तफसिलभुक्त जातिर लोक मानक जमी यही जमी किल्ला बेले सरकारी आईन मुताबक किसी रेस्ट्रिक्शन अच्छी सेमती आपण किनी पारिबेनि गोटे जनरल कास्ट लोक गोटे आदिवासी जमी किनी पारिबोनि किंतु एथी जो देखुचे आम जो ये किणा बिका होती ये समस्त जो प्रावधान थिला अच्छी जो आम आईन रे ताकू फुत्कार मारिक उड़े चंचकता करिचंती चंच कागज पत्र चंचकता करी गोटे परिवार हाथ में 700 एकर जमी को टेक दिया एवं ये जो काम होती तत्कालीन जिलापाल उपजिलापाल एवं रेवेन्यू विभाग जो ऑफिसर माने संपृक्त स्पष्ट भाव में प्रमाणित होती माने संपृक्त। चांदीपुर अंतरीण परीक्षण घाटी आज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस्त्र व्यवहारिक परीक्षण सफल होती सकाल 10:27 परीक्षण क्षेपणास्त्र केन्द्र तीन नंबर लंच पैड्रु डीआरडीओ पक्षर होता सूचना मिली भारत और रुषिया मिलित ज्ञान कौशल या क्षेपणास्त्र ब्रह्मोस्त्र 400 किलोमीटर पर्यंत शत्रुपक्षर लक्ष्य भेद करिपार यह क्षेपणास्त्र को उभय जल और स्थल भाग निक्षेप कर शब्दर बेग ठार तीन गुण अधिक बेगर गति कर ब्रह्मोस्त्र मिसाइल रे दुईट स्टेज विशिष्ट इंजिन व्यवहार कर 3000 किलोग्राम पर्यंत उभय आणविक और पारंपरिक युद्धास्त्र बहन क्षमता रखि क्षेपणास्त्र स्थल भाग 450 किलोमीटर 600 किलोमीटर लक्ष्य भेद करिपारुथिबा बेले वायुसेनार युद्ध विमान 400 किलोमीटर पर्यंत टार्गेट को लक्ष्य भेद करिपारिबार क्षमता रखी घंटा प्रति 3400 किलोमीटर 3700 किलोमीटर बेगरे गति करिपारुथिबा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस्त्र को 2006 मसीह प्रतिरक्षा विभाग व्यवहार कर लंबा 8.4 मीटर मोटोई 0.6 मीटर और ओजन 3000 किलोग्राम रही। राज्य में 2 लक्ष टपिछ कोरोना संक्रमण किंतु दीर्घ दिन पर 4000 तल को खसी आक्रांत संख्या एथस राज्य में आज 14 जन मृत्यु पर मोट मृत्यु संख्या 842 छुई गंजाम आक्रांतों संख्या कमी लगी चिंता बढ़ाऊ खोर्धा सेपटे आक्रांतों संख्या कमुले बढ़ुची मृत्यु संख्या चिंता बढ़ाऊ खोर्धा सर्वाधिक आक्रांतों तालिकार शीर्ष रही खोर्धा संक्रमण तालिकार द्वितीय स्थान अच्छी कटक से हीपरी मृत्यु तालिकार शीर्ष रही गंजाम किछि दिन हेब 4000 तल को खसी आक्रांतों संख्या राज्य में पुणी आज 3443 जन आक्रांत चिन्हट होती संगरोधु 2017 जन और 1426 जन स्थानीय संक्रमित अच्छा आक्रांतों मध्य खोर्धा जिलूर 601 जन अच्छा सेहीपरी कटकु 369 बालेश्वर 152 मयूरभंज 141 पुरी 132 संबलपुर 131 जाजपुर 130 बलांगीर 114 बरगढ़ 111 केन्द्रापड़ 101 अनुगुल 100 लेखाए आक्रांत चिन्हट होती एमानंकु मिसाई ओडिशा रे मोट आक्रांत संख्या 219119 छुईची राज्य रे आज आउ 14 जन कोरोना आक्रांत मृत्यु घटी राज्य रे 842 रे पहुंची मृत्यु संख्या परिस्थिति अनायत होउथिबारु राज्य रे टेस्टिंग वृद्धि करा जाइछि एबे सुधा राज्य में 32,50,969 सैंपल टेस्ट होइछि सही परि राज्य में 1,81,481 जन आक्रांत सुस्थ होइछन्ति सेपटे संक्रमण को
दृष्टि रखि राज्य सरकार विभिन्न पदक्षेप ने राज्य रात्रकालीन कर्फ्यू हटाई दि जाइले कोविड नियम को कड़ाकड़ी करिछंति सरकार अमानिया स्वतंत्र दंड विधान सह मास्क पिंधिबा सामाजिक दूरता रक्षा को दि जाउछि गुरुत्व लक्षण प्रकाश पाइबा मात्रे तुरंत राज्य हेल्पलाइन रे जोगाजोग करिबा को परामर्श देइछंति सरकार टीका आसीबा नै एजाबत कोनोसी सठिक सूचना नथिबारु कोविड नियम को मानिले ही काबुरे रहिबो महामारी ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 6 ओडिया देशरे गत किछि दिन हबे कोरोना आक्रांतक संख्या कमुथिले मध्य दैनिक आक्रांतक संख्या चिंता बढ़ाउछि सेप्टेम्बर 30 तारीख सकाळ सुद्धा समग्र देश में 62,25,763 जन कोरोना संक्रमित चिन्हट होती आक्रांत 51,87,825 जन सुस्थ होती सेपटे 97,497 जन आक्रांत व्यक्ति मृत्यु हो 24 घंटा मध्य जमापड़ 80,472 आक्रांत को मिसाई संप्रति सक्रिय आक्रांत संख्या 9,40,441 रही गत 24 घंटा मध्य 1,179 जन कोरोना आक्रांत मृत्युवरण करे समुदाय 10,86,688 जन कोरोना परीक्षण करा सूचना मिली राज्यव्यापी कोरोना महामारी जनसचेतन अभियान आरंभ कर बीजेडी एही अभियान अक्टोबर 2 गांधी जयंती ठारु नवेम्बर 2 पर्यंत करा जिवो एने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक दलर समस्त सांसद विधायक जिला सभापति जिला पर्यवेक्षक राज्यस्तरीय समस्त कर्मकर्ता समस्त संगठन नगर और ब्लॉक सभापति जिला परिषदर सभापति और उपसभापति एक पत्र लिखिछन्ति से कहिछन्ति टीका आसीबा पर्यंत मास्क हेउछि सुरक्षा कवच एणु दलर प्रति विधायक पंचायत स्तर में ग्रामवासी मास्क बंटन कर यार उपयुक्त व्यवहार संपर्क में सचेतन करेंगे कोविड नियम पालन करिबा टेस्टिंग रे सहयोग करी उपयुक्त समय रे निजर चिकित्सा कराई नेबा आगधाड़ी रे कोविड योद्धा को उत्साहित करिबा सहित सम्मान प्रदर्शन करिबा एवं प्लाज्मा दान करिबा लागि समस्त आगे आसीबा दरकार बोली लोकों को बुझाइबे केवल सेतिकी नुहे गुरुतर कोविड रोगी को पाई प्लाज्मा जीवन बिंदु कार्यक्रम रे रक्तदान एवं मृतकों शव सत्कार पाई ओडिसा मो परिवार निष्ठापर उद्यम करूछि निज निर्वाचन मंडल रे ओडिसा मो परिवार सहित सामिल हो सब गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम रे आगे नेबा दरकार बोली नवीन परामर्श देइछंती यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्राथमिक परीक्षा स्थगित रखा को सुप्रीम कोर्ट रे होइतिबा आवेदन खारज होइछि एही परीक्षा 4 अक्टोबर 2020 रे करा जिबाकु धार्य करा जायछि किंतु जेउ प्रार्थी माने यहा उपरे आवेदन करिथिले सेमानंग पई रिहाती उपरे विचार करिबाकु कोर्ट केन्द्र को कहिछन्ते यहा पूर्वरु सोमवार यूपीएससी अदालत रे कहिथिले जे समस्त लॉजिस्टिक व्यवस्था होइ सारिथिबारु परीक्षा स्थगित रखिबा असंभव देशरे 72 सहरर विभिन्न केन्द्र रे प्राय 6,00,000 प्रार्थी एही परीक्षा देबे यहा उपरे सुप्रीम कोर्ट सांप्रतिक परिस्थिति को दृष्टि रखी प्रस्तुत संबंधी समस्त सूचना देबाकु यूपीएस को निर्देश देइछन्ते जौन निर्यातना मामलें बॉलीवुड रो प्रसिद्ध निर्देशक अनुराग कश्यप को अड़ुआ बढ़िबारे लगी अभिनेत्री पायल घोष विरोध में निर्यातना अभियोग करने जेरापाई समन करी मुंबई पुलिस मुंबईर बरसोबा थाना अनुराग विरोध में पायल अभियोग करते अनुराग गिरफ हो नई असंतोष व्यक्त करते पूर्वर अनुराग विरोध में असदाचरण अभियोग आणि दुष्कर्म मामला रुजू करिथिले पायल तांकु अटक रखिबा षडयंत्र करिबा और उद्देश्यमूलक भावे अपमानित करिबा अभियोग होइथिला आईपीसी धारा 376 354 341 और 342 अनुसार अनुराग विरोध में एतला रुजू हेबा सह पीड़िता बयान रेकर्ड करा जाइथिबा सूचना मिलिछि भल कोविड परिचालना पाई ओडिशा को प्रशंसा करिछि विश्व स्वास्थ्य संगठन संगठन पक्षर कहुई महामारी समय रे कोविड को ठीक भावे परिचालना करि पारिछि ओडिशा ठीक परिचालना जोगु राज्य रे मृत्युहार कम और सुस्थ हार अधिक रही कोरोना मुकाबिला पाई ग्राम पंचायत को सामिल करा जाए परिचालना को विकेन्द्रीकरण उच्च टेस्टिंग कौशल सह प्रभावशाली ढंग से रोगी जत्न निपारी विश्व स्वास्थ्य संगठन ओडिशा देशर प्रथम राज्य भाव कोविड केयर सेंटर प्रतिष्ठा कर लोकों स्वास्थ्य सुविधा जोगाई कोविड समय प्रवासी श्रमिकों आगमन को
ठीक भाव परिचालना करिछि ओडिसा। सबुठारु बड़ कथा हैला कोविड परिचालना रे मिशन शक्ति को सामिल करा जाइछि। मंत्री स्तरीय कमिटी गठन करा जाय, सामाजिक दूरता सचेतन चिकित्सा क्षेत्र रे ठीक निष्पत्ति निया जाइछि। आ एसबुर ठीक भाव तदारख भी होई पारिछि। ओडिसार टेस्टिंग स्ट्राटेजी भी प्रशंसा करिछि विश्व स्वास्थ्य संगठन। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତତ୍ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଖେଳ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆଇପିଏଲ୍ ତ୍ରୟୋଦଶତମ ସଂସ୍କରଣର ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶତମ ମ୍ୟାଚ୍। ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କଲିକତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଓ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି କଡ଼ା ଟକ୍କର। କଲିକତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ସହ ଆଜି ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍, ତେବେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଶା ରଖିଛି। କଲିକତା ଦଳର ବିସ୍ଫୋରକ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ ଓ ଇୟନ୍ ମେଗ୍ରନ୍ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରାହୁଲ ତିୱାଳିଆ ପଞ୍ଜାବ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତାଇଥିଲେ। ତେବେ ଅଭିଜ୍ଞ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଓ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଆଇପିଏଲ୍ ଲଢ଼େଇର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବୁଲେଟିନ୍ ଶେଷରେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ପୁଣି ଥରେ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ବାବ୍ରି ମସ୍ଜିଦ୍ ଭଙ୍ଗା ମାମଲାରେ ସମସ୍ତ 32 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୋଷମୁକ୍ତ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସିବିଆଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ। ଦୀର୍ଘ 28 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲା ରାୟ। ୟୁପି ହାଥରସ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠିତ, 7 ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ଟିମ୍। ଫାଷ୍ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ହେବ ବିଚାର, ପୋଲିସ ରାତିରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଶବ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସତ୍କାର କରିଥିବା ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ବାତିଲକୁ ବିରୋଧ, କରୋନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ, ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ। ସେପଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଏବିପିର ବିକ୍ଷୋଭ। ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟିରୁ ମିସାଇଲ୍, ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ତର ବ୍ୟବହାରିକ ପରୀକ୍ଷଣ, 450ରୁ 600 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷକୁ କରିପାରିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ, ଉଭୟ ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳ ଭାଗରୁ ହୋଇପାରିବ ନିକ୍ଷେପ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 14 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା କରୋନା, ଦିନକରେ 3,443 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 601 ପଜିଟିଭ, ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 219,000 ପାର। ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 80,472 ଆକ୍ରାନ୍ତ, 1,179 ମୃତ, ନୂତନ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମିଶାଇ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 97,000 ପାର। ସେପଟେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 62,25,763କୁ ବୃଦ୍ଧି। ୟୁପିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। 4 ଅକ୍ଟୋବର ହେବାକୁ ଅଛି ୟୁପିଏସ୍ର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା। ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁରା କଶ୍ୟପଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର ସମନ, ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ ଥାନାରେ ହାଜିର ହେବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍। ଅନୁରାଙ୍କ ନାଁରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପାୟଲ ଘୋଷ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଲଘୁଚାପ, ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ସୂଚନା। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଖବର। ଆଜି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଟକ୍କର, ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଓ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିପ୍ ଉପରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନଜର। ଆଜି ପାଇଁ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.newsxodia.com। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।